गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं दर्पण राजपूत आपका म्यूजिक टीचर, और आज हम सीखेंगे कि सिंथेसाइजर को किस तरीके से बजाया जाता है। और जिस तरीके से सिंथेसाइजर को बजाया जा सकता है उसी तरीके से हम हारमोनियम भी बजा सकते हैं। बस ये कि सिंथेसाइजर में दोनों हाथों का यूज़ होता है और हारमोनियम में हम एक हाथ का यूज़ करते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि 7 शुद्ध स्वरों को किस तरीके से बजाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उन स्वरों पे हम किस फिंगर का कहाँ यूज़ करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं कि स्वरों के ऊपर उंगलियों को किस तरीके से उपयोग किया जाता है। ये देखिए, सा, सा के ऊपर फर्स्ट फिंगर, रे सेकंड फिंगर, गा थम, मा फर्स्ट, पा सेकंड, धा थर्ड, नी थम, सा फर्स्ट फिंगर। अब हमने अभी बजाया आरो, अब हम इसका बजाएंगे अवरो। अवरो मतलब लौट के आना। सा फर्स्ट फिंगर, नी थम, धा थर्ड, पा सेकंड, मा फर्स्ट, गा सेकंड, रे सेकंड, सा। तो बच्चों ये देखिए कितने सरल तरीके से हमने बजाया। अब इसको हम थोड़ा सा इसकी हम गति बढ़ाएंगे और रिदम के साथ कैसे बजाएंगे। देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। और जब बच्चों आप इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए कैसा बजेगा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। देखिए कितना ईजी है, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखिए हम दूसरा अलंकार किस तरीके से बजाना है। फिंगर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। अब देखिए इसको थोड़ा सा स्पीड में बजाना है। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। तो बच्चों अब हम चलते आगे की ओर, जो कि हमारा तीसरा अलंकार है। सा रे गा मा गा मा पा धा पा धा नी धा नी सा, सा नी धा नी धा पा मा पा मा गा रे सा। और इसे भी हम थोड़ी सी गति में बजाएंगे। देखिए, सारे गा रे गा मा पा धा पा धा नी धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे गा रे सा, सारे गा रे गा मा पा धा पा धा नी धा नी सा, सा नी धा पा धा पा मा गा रे गा रे, सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा, सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा, सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा, सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा। तो बच्चों जिस तरीके से मैंने इसे बजा के एवं गा के साथ में प्रैक्टिस की, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको सुर को समझने के लिए कि आपको भी इसी तरीके से गाना और बजाना दोनों साथ करना पड़ेगा। आज का हमारा जो चौथा अलंकार है वो इस तरीके से। सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा, सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा पा मा गा रे मा गा रे सा। देखिए अगर साउंड में नहीं आया है तो मैं इसे एक बार और बजाता हूँ। सा रे गा मा
रे गा मा पा, गा मा पा धा, मा पा धा नी, पा धा नी सा, सा नी धा पा, नी धा पा मा, धा पा मा गा, पा मा गा रे, मा गा रे सा। तो देखिए बच्चों कितना आसान है। अब इसे हम देखिए स्पीड में बजाएंगे। सारे गा मा रे गा मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा पा मा गा रे मा गा रे सा। सारे गा मा रे गा मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा पा मा गा रे मा गा रे सा। सारे गा मा रे गा मा पा धा मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा पा मा गा रे मा गा रे सा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज जो हमने चार तरीके के जो अलंकार सीखे हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले उंगलियों का ध्यान और सरगम की प्रैक्टिस और इन चारों अलंकारों का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इन्हीं स्वरों में हम किसी भी गाने को बजा सकते हैं, जैसे कि हम आगे गाना बजाना सीखेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि खूब अभ्यास करें और अपने अभ्यास करते हुए वीडियो अपने फैमिली अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।